हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं आपको सब सीक्वेंस विथ मिनिमम स्कोर प्रॉब्लम जो लीड कोड वीकली कांटेस्ट थ्री ट्वेंटी टू में पूछा गया था हार्ड प्रॉब्लम था लास्ट प्रॉब्लम सो so, उसका सोल्यूशन डिस्कस करूँगा आपके साथ सो so, जल्दी से मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी वो रिवाइज़ करवा देता हूँ सो so, हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन थी एस एंड टी और हम स्ट्रिंग टी पे ऑपरेशन कर सकते थे सो so, ऑपरेशन में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स डिलीट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिलीट कर सकते हैं टी से कैरेक्टर डिलीटेड फ्रॉम टी सो एज मेन हमारा गोल क्या था हमें टी को सब सिक्वेंस ऑफ एस बनाना था टी को सब सिक्वेंस ऑफ एस सो ये डिलीशन ऑपरेशन करने पे हमें एक स्कोर मिल रहा था सो so, वो स्कोर कैलकुलेट करने के लिए राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन हम कर रहे थे सो so, ये एक्सप्रेशन हमें हमारा स्कोर बता रहा था सो so, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि राइट right क्या है सो लेट मी चेंज टू डिफरेंट कलर सो जो राइट right यहाँ पे था वो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स था जो डिलीट किया हमने टी में से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिलीटेड इंडेक्स हो गया डिलीटेड इंडेक्स फ्रॉम टी और लेफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा था स्मॉलेस्ट इंडेक्स जो हमने टी में से डिलीट किया है सो so, एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ क्या है ये सो so, सपोज आपके पास ये टी स्ट्रिंग है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये उनकी इंडेक्सिंग हो गई और अगर हमने टू और फोर को डिलीट किया टू फोर एंड फाइव ले लेते हैं फोर डिलीट किया तो हमारा स्कोर यहाँ से आएगा जो मैक्सिमम वैल्यू डिलीटेड इंडेक्स की है वो फाइव है सो फाइव माइनस जो मिनिमम वैल्यू डिलीटेड इंडेक्स की है वो टू है सो फाइव माइनस टू प्लस वन सो दिस इज़ फोर सो so, ये हमारा स्कोर होगा इस केस में एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट था प्रॉब्लम के लिए कि जो हमारा स्कोर है वो एंड पॉइंट्स पे ही डिपेंड कर रहा है मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स जो हमने डिलीट किए हैं कैरेक्टर्स उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पे ही डिपेंड कर रहा है हमारा स्कोर सो so, बीच के जितने भी इंडेक्सेस थे या कैरेक्टर्स थे वो इरेलीवेंट हैं सो दे आर ऑफ़ नो यूज़ सो इट्स बेटर अगर हम कंसिडर करें सारे कैरेक्टर्स को हमने डिलीट कर दिया है वो बेटर रहेगा क्योंकि उनका वैसे ही कोई स्कोर में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है सो so जो मिडिल एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली दे आर ऑफ नो यूज़ सो हम सारे एलिमेंट्स को जो लेफ़्ट और राइट right इंडेक्स के बीच में उन सब को डिलीट कर देंगे सो so यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो चेंज हो गया मॉडिफाई हो गया हमारा जो और ये जो स्कोर जो हम फाइंड कर रहे थे राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन ये कुछ नहीं बल्कि जब सिर्फ सबस्ट्रिंग की लेंथ दे रहा है हमें जिसके एंड पॉइंट्स लेफ्ट एंड राइट है इंक्लूसिव। सो so, जो देखेंगे अब आपको क्या फाइंड करना है बेसिकली जो हिडन प्रॉब्लम था वो ये था कि हमें लेंथ फाइंड करनी थी लेंथ मिनिमम लेंथ फाइंड करनी थी मिन लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग सो जिसको हम टी से रिमूव करें तो टी बिकम सब सिक्वेंस ऑफ एस सो so ये हमारा मेन हिट एंड प्रॉब्लम था जो जिसे हमें सॉल्व करना है सो so हमें मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है सब स्ट्रिंग की जिसको अगर हम टी से रिमूव कर दें सो so टी बिकम सब सिक्वेंस ऑफ एस सो so, यहाँ आप अगर आप देखें सपोज कर लें कोई भी जनरल टी स्ट्रिंग है और उसमें से अगर हम कोई एक सबस्ट्रिंग निकाल देते हैं तो हमारे जो सबस्ट्रिंग दो पार्ट में बढ़ जाता है एक हो गया सफिक्स पार्ट जो डिलीटेड सबस्ट्रिंग के बाद में आएगा एंड एक हो गया प्रिफिक्स पार्ट जो स्टार्टिंग से लेके वो डिलीटेड सबस्टरिंग के पहले तक आएगा सो so, अब आता है हम इसे फाइंड कैसे करेंगे फाइंड कैसे करें ऑब्वियसली सो हमें हमारे पास जो एस एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अस टेक एग्ज़ाम्पल सपोज ये एस गिवन है हमें ए बी ए सी ए बी एंड ए सो so, ये एस है और हमारा टी स्ट्रिंग है बी बी जेड ए ए सो ऑबियसली एस तो चेंज नहीं होगा सो so, एस को हम दो डिसजॉइंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फॉर ईच इंडेक्स फॉर ईच इंडेक्स आई हम एस को दो डिसजॉइंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जीरो टू आई एक पार्ट हो गया एंड अनदर पार्ट इज आई प्लस वन एन माइनस वन जहाँ पे एन है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस हो गया सो so ये जो दो पार्ट में हमने बांटा है सो so इससे हम क्या करेंगे अगर हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग जो हमने रिमूव करनी है टी से ताकि टी बिकम सब सिक्वेंस ऑफ एस सो जीरो से आई में हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम प्रीफिक्स लेंथ ऑफ टी जो इस रेंज में आ सकती है या ज़ीरो टू वन आई कैरेक्टर अगर हम कंसिडर करते हैं सो मैक्सीम प्रिफिक्स लेंथ टी की कितनी हो सकती है जिसको हम डिराइव कर पाएँ उन कैरेक्टर से ज़ीरो से आई सिमिलरली आई प्लस वन से एन माइनस वन तक मैक्सीम सबफिक्स लेंथ कितनी है जो डिराइव कर सकते हैं हम सो फॉर ईच आई हमें कुछ वैल्यू मिलेगी एक्स सपोज एक्स मान लेते हैं मैक्सिमम प्रीफिक्स लेंथ जीरो से आई तक के लिए जो टी की हम डिराइव कर सकते हैं एंड वाई हो गया मैक्सिमम सफिक्स लेंथ सो एक्स प्लस वाई हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टी आफ्टर डिलीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर ध्यान दीजिएगा और इनिशियल लेंथ जो थी हमारी एम मान लेते हैं उसको इनिशियल लेंथ है हमारी स्ट्रिंग टी की सो so जो हमारा स्कोर होगा हमने कितने लेंथ की सब स्ट्रिंग रिमूव की अगर जो फाइनल लेंथ हमारे पास एक्स प्लस वाई है इनिशियल एम था सो एम माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा सो so ये स्कोर हमें मिलेगा फॉर एवरी आई इंडेक्स अब ये हमें ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें दो एरे बनाने पड़ेंगे सो so, एक प्रिफिक्स एरे होगा ऑफ लेंथ एन एन क्या है लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग एस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस सो एक प्रिफिक्स एरे होगा एक सफिक्स एरे होगा सो so, प्रिफिक्स एरे स्टोर करेगा कि आइथ इंडेक्स तक मैक्स लेंथ ऑफ प्रिफिक्स प्रिफिक्स ऑफ टी जो हम डिराइव कर सकते हैं आइथ इंडेक्स तक सिमिलरली सफिक्स आई क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आई टू एन माइनस वन मैक्सिमम लेंथ ऑफ सफिक्स जो हम टी की डिराइव कर सकते हैं i टू एन माइनस वन कैरेक्टर्स ऑफ एस से सो so, जो एग्जांपल हमने लिया था उसका मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ सो ए बी ए सी ए बी ए ये हमारी एस स्ट्रिंग है और हमारी टी स्ट्रिंग है बी बी जेड ए सो so, जो हमारा प्रीफिक्स अरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यस सो प्रीफिक्स अरे लेंथ एन का होगा यस एन इज सेवन ईयर इन दिस केस सो यहाँ पे स्टोर क्या होगा फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे कि ऐसा इक्वल टू टी जे सो so, जे बी ज़ीरो से स्टार्ट होगा आई भी जीरो से स्टार्ट होगा कैरेक्टर इक्वल है नहीं और एक काउंट हम रखेंगे जो हमारा मैक्सिमम लेंथ स्टोर करेगा सो ए भी इक्वल नहीं है सो so, हम कुछ नहीं करेंगे हमारा काउंट इंक्रीज़ नहीं होगा काउंट इनिशियली ज़ीरो है विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो नेक्स्ट हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे आई इज़ वन एंड जे इज़ ज़ीरो सो बी भी इक्वल है तो so, इस केस में काउंट इंक्रीमेंट in हो जाएगा काउंट इज़ वन नाउ सो काउंट बिकम्स वन सो नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास मैचिंग वैल्यू हो जाएगी सो so हम जे को भी इंक्रीमेंट करेंगे आई अब ए पे पॉइंट कर रहा है एंड जे बी पे क्या ए बी इक्वल है नो nope. सो so हम काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेंगे काउंट रिमेन सेम वन ही रहेगा सिमिलरली फिर सी पे चल जाएगा सो so क्या काउंट इक्वल है नहीं सॉरी oh क्या कैरेक्टर्स इक्वल है नहीं तो काउंट रिमेन सेम सिमिलरली वन रहेगा फॉर एफ बी फाइनली मिलेगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा अकाउंट सो so ये ऐसे हमारा प्रीफिक्स अरे फॉर्म होगा सिमिलरली अगर इसका हम सफिक्स अरे बनाना चाहें तो हम रिवर्स में जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक एक्स्ट्रा हो गया जस्ट गिव मी हो सकेंड सो so, जो सफिक्सर है हमारा यहाँ से फॉर्म होगा या ऑब्वियसली लास्ट कैरेक्टर्स जे स्टार्ट फ्रॉम एम माइनस वन एंड आई स्टार्ट फ्रॉम एन माइनस वन यहाँ से अब हम चेक करेंगे क्या कैरेक्टर इक्वल है यस सो काउंट हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंट बिकम वन सो नेक्स्ट पे आएंगे अभी हम टी में ए पे हैं और एस में बी पे हैं क्या इक्वल है नहीं तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा सो so, वो वन ही रहेगा सिमिलरली वी मूव टू ये ना हो सो यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर टू बन जाएगा नेक्स्ट हम जेड को देखेंगे जेड कहीं नहीं है सो so, हम टू ही स्टोर करेंगे सो so, ये हमारा साफिक्सर है बन गया लेंथ एन का एन क्या है जो हमारी एस है उसका लेंथ है तो so, अब हम क्या करेंगे हम ट्रैवर्स करेंगे एक फोर आई टू बी ज़ीरो टू एन माइनस वन और हम चेक करेंगे जो ज़ीरो से आई तक मैक्सिमम प्रीफिक्स जो हम जो हमें लेंथ मिल सकता है इस प्रीफिक्स अरे को देख के एंड आई प्लस वन टू तो एन माइनस वन सो बेसिकली सफिक्स ऑफ आई प्लस वन हमें दे देगा आई प्लस वन से एन माइनस वन तक जो मैक्सिमम सफिक्स हमारा टी का मिल सकता है इसमें सो so, ऐसे ही फॉर ईच ऐसे हम करेंगे एवरी इंडेक्स आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एंड जो लेंथ हम हमारा उस आई के लिए हो पाएगा वो होगा प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस सफिक्स ऑफ आई प्लस वन आई प्लस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिसजॉइंट सेट होना चाहिए सपोज़ हमने कंसीडर किया यहाँ तक ये हमारा एस स्ट्रिंग है सो so, प्रीफिक्स में ज़ीरो टू आई हम कंसीडर कर रहे हैं एंड सफिक्स जो होगा वो आई प्लस वन टू एन माइनस वन होगा तो इसलिए सफ़ ऑफ आई प्लस वन करेंगे सो so, ये हमें क्या देगा ये हमें देगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टी आफ्टर डिलीटिंग सब स्ट्रिंग सो यहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगी सो so, कितना डिलीट किया कितने लेंथ का सबस्ट्रिंग हमने डिलीट किया उसको हम एम माइनस लेंथ करेंगे सो so वो वैल्यू आ जाएगी सो so, ऐसे सभी इंडेक्स के लिए हम करेंगे और आंसर हमारा होगा वो मिनिमम ऑफ ऑल होगा जितने इंडेक्स थे उन सब के लिए हम फाइंड करेंगे ये वैल्यू एम माइनस लेंथ और जो मिनिमम होगा उसको अपने आंसर में स्टोर करेंगे हाँ एच केस जो आपको ध्यान रखना है इस केस में कि ऐसा कंडीशन भी होता है हो सकता है जब हम ज़ीरो प्रीफिक्स को कंसिडर करें और सारा सफिक्स ले लें तो so सो उस केस में सफ ऑफ ज़ीरो जो देगा कि हमने एक भी प्रीफिक्स कंसिडर नहीं किया है मतलब जीरो टू एन माइनस वन के कैरेक्टर से हमने सिर्फ सफिक्स ऑफ़ टी फाइंड करने की कोशिश की है सो so, ये एच के से इसका ध्यान रख लेना ओके okay, सो so, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ हमने किया क्या सो so, फर्स्ट जो हिडन प्रॉब्लम था वो हमने फाइंड की हिडन प्रॉब्लम ये था कि हमें मिनिमम लेंथ फाइंड करनी थी सबस्ट्रिंग की मिनिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग जिसको हम टी में से रिमूव कर दें तो टी बिकम सब सिक्वेंस ऑफ एस सब सिक्वेंस ऑफ एस सो ये हमने किया कैसे हमारा अप्रोच क्या था सो so, हमने एस को टू डिसजॉइंट सेट में बांटा टू डिसजॉइंट सेट में बांटा फॉर एव ऑल आई फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन एन इज लेंथ ऑफ एस एंड हमने दो चीज़ें फ़ाइंड की जीरो से आई तक जो मैक्सिमम प्रीफिक्स लेंथ टी का हम जनरेट कर सकते हैं इन कैरेक्टर्स से ज़ीरो से आई कैरेक्टर ऑफ एस एंड सिमिलरली आई प्लस वन से एन माइनस वन कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम सफिक्स लेंथ जो हम फाइंड कर पाएंगे सो so, ये जो लेंथ सपोज एक्स एंड वाई मिला हमें सो एक्स प्लस वाई हमें देगा लेंथ ऑफ टी आफ्टर डिलीटिंग सबस्ट्रिंग एंड इनिशियल लेंथ था हमारा एम सो एम माइनस एक्स प्लस वाई हमें दे देगा लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग जो हमने डिलीट की लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग डिलीट की सो फॉर ईच इंडेक्स हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर ईच इंडेक्स आई जीरो टू एन माइनस वन हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे एंड मिनिमम को स्टोर करेंगे सो ऑब्वियसली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई ओ ऑफ एन क्योंकि लीनियर एक बार हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं प्रिफिक्स एरे बनाने के लिए और एक बार राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं सफिक्स एरे के लिए सो दिस इज फॉर सफिक्स एरे दिस इज़ फॉर प्रिफिक्स एरे एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी लीनियर है क्योंकि हमें दो एरे लगेंगे एक प्रिफिक्स एरे ऑफ साइज एन एन एज लेंथ सब स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज और एक सब एरे लगेगा साइज एन का ओके सो मेन था इसमें हिडन प्रॉब्लम था सो उन्होंने डिरेक्टली पूछा नहीं था क्या फ़ाइंड करना है तो इसलिए उसमें नंबर ऑफ सॉल्व भी बहुत कम थे एंड ट्रस्ट मी ये सेवेंटीन टेक लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कोई भी अगर आपको कुछ भी मुझे सजेशन देना है यू कैन ऑलवेज हिट मी ऑन द कमेंट्स थैंक यू